हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज का आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे प्रैक्टिस में कौन से बुक वापरे या स्टडी के दौरान कौन से बुक का रेफ़र किया जाए उसके लिहाज से बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जनरल प्रैक्टिस एज ए स्पेशलिटी। दोस्तों, ये जो बुक आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये प्रकाश महाजन इस ऑथर की है और ये जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कोई भी हो, MBBS हो, BMS हो, BHMS हो, BOMS हो, उनके लिए एक बहुत ही कारगर ये बुक है, जनरल प्रैक्टिस एज ए स्पेशलिटी। ये लेखक के प्रकाश महाजन इस डॉक्टर के साहब के बहुत से बुक्स हैं। तो उसमें से और एक बुक है मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स इन जनरल प्रैक्टिस जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये भी डॉक्टर प्रकाश महाजन की एक एक्सीलेंट बुक है। ECG के ऊपर डॉक्टर प्रकाश महाजन की बुक है, बहुत से बुक है, बट ये दो बुक जनरल प्रैक्टिस एज ए स्पेशलिटी और सिम्टम मैनेजमेंट इन जनरल प्रैक्टिस, ये बुक हमें वापरना चाहिए। मेडिसिन, टोटल मेडिसिन के रेफर के लिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए हमें हार्ले डेविडसन्स की बुक जो है वापरना चाहिए। ये बुक जो है एकदम डिटेल में इसकी स्टडी है, मेडिसिन की डिटेल कंसेप्ट, डिटेल पैथोफिजोलॉजी ये डेविडसन इस बुक में है फ्रेंड्स। अगर आप डिटेल एलोपैथी की स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक आप वापर सकते हैं। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस की भी बात करूँगा क्योंकि मैं मिक्स प्रैक्टिस करता हूँ, आयुर्वेद भी और एलोपैथ भी। तो readyreckgoner फॉर आयुर्वेद जनरल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर मुजुमदार, ये जो बुक है फ्रेंड्स केवल 150 रुपये की बुक है। ये शॉर्ट बुक है लेकिन ये बुक जो है इतनी बेहतरीन है फ्रेंड्स, इसमें सभी डिसीज़ के ऊपर रेमेडीज़ बताई गई है। readyreckgoner मतलब आप कोई डिसीज़ निकालो उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे रेडी है फ्रेंड्स। वैसे ही अगर आयुर्वेद की आपको डिटेल स्टडी करना है तो चरक संहिता, पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये दो भाग हैं, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये जो है बुक्स आपको वहाँ पे डिटेल में स्टडी करना होगा। काया चिकित्सा के बुक हैं, पंचकर्मा के बुक हैं, ये डिटेल बुक्स जो है आपको स्टडी करना होगा, तभी जो है आयुर्वेद जो है फ्रेंड्स आपके कण कण में बसेगा। अभी जो पिक्चर में आप बुक देख रहे हैं प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबर गोलवाला, 70th edition की ये शॉर्ट बुक है। ये जो बुक है ये गोलवाला की जो बुक है फ्रेंड्स, ये बुक जो है मेरे पास भी अवेलेबल है। और ये जो है readyreckgoner है, ये एलोपैथिक readyreckgoner बुक है। अगर आप कोई डिसीज़ का नाम बताएंगे तो उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट इस बुक में बताएगा। तो ऐसे जो बुक है फ्रेंड readyreckgoner, वो हमारे OPD में होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑफकोर्स पैथोफिजोलॉजी मेडिसिन के बुक तो रहना ही चाहिए, बट गोलवाला, शाहरुख गोलवाला, FC गोलवाला की जो बुक है ये एक्सलेंट बुक है, अद्भुत ऐसे बुक्स हैं, ये बुक्स हमारे डायक्स पे रहना चाहिए फ्रेंड्स। अभी जो बुक आप पिक्चर में देख रहे हैं फ्रेंड, ये है टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी और इसके ऑथर हैं हर्षमोहन। अगर आप पैथोफिजोलॉजी का डिटेल स्टडी चाहते हैं, मेडिसिन का डिटेल स्टडी चाहते हैं, तो डेविडसन जैसा बुक आपको रखना होगा, वैसा ही हर्षमोहन का बुक भी आपके OPD में होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कैसा है, कोई भी मेडिसिन क्या या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस आपको करना है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, यूनानी है, आपको सेवरल बुक्स की स्टडी करना होगा। बट जो बुक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर ये 4-5 बुक्स अगर आपके मेडिकल में, अगर आपके OPD में आपने ला के रख दिए, तो आप जो है प्रैक्टिस के बादशाह बन सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बुक का मैं नाम जाते जाते आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, PJ मेहता, प्रैक्टिकल बुक है PJ मेहता फॉर मेडिसिन जनरल प्रैक्टिस की एक बुक है, वो भी जो है अपने OPD में ला कर रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।